अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शोबिज़ स्टार। आज की स्टूडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी अदाकार फरहान अली आगा के बारे में। ये कौन है, इनकी फैमिली में कौन कौन शामिल है और इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ कैसे किया, इनकी मुकम्मल डिटेल और बायोग्राफी आपसे शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल शोबिज़ स्टार पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक बरवक़्त पहुँच सके। जी व्यूअर, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आपको बताते चले, पाकिस्तानी अदाकार फरहान अली आगा के नाम से भी जाने जाते हैं। फरहान अली आगा एक बासलाहियत सियासतदान, फिल्म, टेलीविजन और अदाकार हैं। फरहान अली आगा 12 मई 1975 को कराची पाकिस्तान में पैदा हुए और अब तक कई ड्रामों और फिल्मों में नजर आए और अपनी अदाकारी के लिए बहुत मशहूर हैं। पाकिस्तानी अदाकार फरहान अली आगा आने वाले ड्रामा सीरियल तेरे बिन के सीज़न 2 में जलवागर होंगे। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ 1990 की दहाई में मॉडलिंग से किया और मुख्तसर अरसे के बाद अदाकारी में कदम रखा और वो इस शोबे के टॉप के अदाकार बन चुके हैं। फरहान अली आगा ने अपने कैरियर का आगाज 1995 में किया। हाल ही में 2020 में इन्होंने सियासत में शमूलियत इख्तियार की और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के कारकुन बन गया। फरहान अली आगा के मशहूर ड्रामों में ड्रामा सीरियल सुनो चंदा, ड्रामा सीरियल सुनो चंदा 2, ड्रामा सीरियल चुपके चुपके, ड्रामा सीरियल राज उल्फत और ड्रामा सीरियल हम नशीन शामिल हैं। जवानी फिरने यानी जैसी फिल्मों में भी इन्होंने अदाकारी की और इनकी अदाकारी को काफ़ी सराहा भी गया है। व्यूअर्स, पास की अगर इनकी फैमिली की तो अदाकार फरहान अली आगा का ताल्लुक एक मुस्लिम घराने से। इन्होंने तालीम मुकम्मल करने के बाद मॉडलिंग में कदम रखा। मॉडल आगा की हैसियत से कामयाबी हासिल करने के बाद अदाकारी में किस्मत आजमाई, मेहनत से वो अवाम में मकबूल हो गए। अदाकार फरहान अली आगा का शुमार पाकिस्तान के मारूफ अदाकारों में होता है। इन्होंने अपनी अदाकारी से मदाहों के दिल जीते हैं और ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत बासलाहियत अदाकार बन चुके हैं। व्यूअर्स, ये थी अदाकार फरहान अली आगा की मुकम्मल डिटेल और बायोग्राफी। आपको इनका कौन सा ड्रामा बेहद पसंद है, कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह ने कहा।